आपका क्वेश्चन है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर दैट लेंथ। देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा कि हमको एक सर्कल बनाना है एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम, वी विल टेक कंपास एंड स्केल। तो अब हम क्या क्या मेजर करेंगे स्केल से कंपास को, तो वो आपका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ सर्कल। तो सर्कल विल कम लाइक दिस। ठीक है, एंड दिस इज योर सेंटर, दिस सेंटर इज योर ओ। फिर देखो इसने क्या कहा है, पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो दैट मीन्स एक पॉइंट है बाहर जो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और उससे एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे 10 सेंटीमीटर का। तो वी नो दैट ये रेडियस आपका कितना है, 6 है ना, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर है और आपको एक्स्ट्रा कितना बनाना है, 4 ओनली। तो हम 4 बनाएंगे फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये आपका हो गया पी पॉइंट। तो टोटल इज, दिस इज योर 4 सेंटीमीटर टोटल इज। नाउ देखो 6 प्लस 4 इज 10। ठीक है, अब देखो इसने आगे क्या कहा है, ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट बनाना है टू द सर्कल। तो ये आपका ओरिजिनल सर्कल है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो लाइन सेगमेंट बन गया है आपका, इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। आपका देखो 10 सेंटीमीटर है, तो वी विल टेक मेजरमेंट मोर देन 5। ठीक है, और हम क्या करेंगे, दो आर्क बनाएंगे दो साइड में फ्रॉम ए। तो यहां पर रख के आप एक आर्क बनाओगे यहां पर। ठीक है, एट द सेम टाइम दूसरा आर्क आपका यहां पर आएगा, ओ से आपको आर्क बनाना है। फिर आपको P में रखे, यू हैव टू कट दिस आर्क ये, और आपको क्या करना है, एक डॉटेड लाइन खींचनी है विच विल टच दिस एंड दिस। तो देखो कहां पर आ रहा है ये, इट विल कम लाइक दिस। ठीक है, तो नाउ दिस इज योर पॉइंट, ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द कंपास। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट इज योर, दिस इज ओ, दिस इज योर ओ डैश, ओ डैश। अब आपको कंपास लेना है और आपको एक मेजरमेंट उसके अंदर फिक्स करना है। वो मेजरमेंट आपका क्या होगा, ओ डैश एंड पी, और यू कैन टेक वॉट ओ एंड ओ डैश एनीथिंग। तो ये बाइसेक्टर है, दैट मीन्स आपका ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश एंड पी इक्वल है। तो वो मेजरमेंट सेट करने के बाद फ्रॉम ओ डैश यू हैव टू मेक अ सर्कल विच विल टच योर ओ एंड पी, दोनों को टच करके जाना चाहिए, अदरवाइज आपका सर्कल इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये देखो ये सदी सर्कल विल कम कैसे आएगा, देखो इट विल कम लाइक दिस। ओ को भी टच करेगा और पी को भी टच करेगा। अब आपको टेंजेंट बनाने हैं, तो टेंजेंट आपके कहां पर होंगे, किसके टेंजेंट बनाने हैं आपको, मेन ओरिजिनल सर्कल जो रेड कलर का है,
तो टेंजेंट कहां से कहां तक बनाओगे आप? देखो जहां पर ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से। तो नाउ वी विल नेम इट एज दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। यहां से बनाना है आपको पी के लिए। तो देखो कैसे होगा ये, इट विल कम लाइक दिस। ठीक है, तो दीस आर योर टेंजेंट्स। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके बी तक आपको रेडियस बनाना है इन डॉटेड लाइन। तो ये देखो कैसे आएगा, इट विल कम लाइक दिस। ठीक है, और यहां से भी ए के लिए बनाना है आपको। तो दिस इज योर रेडियस एंड बीपी एंड बीए आर टेंजेंट। तो वी विल राइट दैट बीपी इज इक्वल टू पीए, ये आपका टेंजेंट होगा। नेक्स्ट इसने क्या कहा है, देखो मेजर दैट लेंथ, दैट मींस टेंजेंट्स कितना बड़ा है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसने रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर आर इज 6 सेंटीमीटर। तो नाउ इफ यू सी हियर, वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। दैट मींस ये देखो यहां पर 90 डिग्री बनाएगा ये, और यहां पर भी 90 डिग्री बनाएगा ये। ठीक है, तो इफ इट फॉर्म्स 90 डिग्री वी विल फॉलो पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री का अपोजिट इज ओपी, तो क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस इज ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, दैट इज योर बीपी। एक एक ट्राइंगल कोई भी लेना है आपको, तो दैट इज योर बीपी स्क्वायर। ओपी कितना है देखो, ओ टू पी इज 10, तो 10 स्क्वायर इज 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस बीपी स्क्वायर। तो बीपी स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 100 माइनस 36 कितना होता है हमारा, 64। वी कैन से 64 इज इक्वल टू बीपी स्क्वायर। तो व्हाट इज योर बीपी, बीपी इज इक्वल टू रूट अंडर 64। तो 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का। तो नाउ वी कैन से इट्स 8 सेंटीमीटर। नाउ द टू टेंजेंट्स आर 8 सेंटीमीटर ईच। ठीक है,